वी विल सी द मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़। तो हम लोगों ने देख लिया था कि कुछ इन्फेक्शियस डिसीज़ होती हैं, और ये भी देख लिया था कि कुछ ऐसी डिसीज़ होती हैं जो कंटेजियस होती हैं। सो कंटेजियस डिसीज़ कार्तिक कौन सी होती हैं बताइए। कार्तिक, व्हाट आर द कंटेजियस डिसीज़? माही, व्हाट आर कंटेजियस डिसीज़? यस, जो डायरेक्ट स्प्रेड होती है उसके लिए अगर आपका फिजिकल कॉन्टेक्ट किसी से हो गया, हाथ मिला लिया या किस कर लिया या, तो उससे जो होगी तो फिजिकल कॉन्टेक्ट से हो गई तो कंटेजियस डिसीज़ है। और जिसके लिए किसी चीज़ की वाटर बॉर्न डिसीज़ या किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत, तो वो नॉन कंटेजियस है, लेकिन वो ट्रांसमिट हो जाती है, एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाती है। सो लेट अस सी द मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़, कि किस किस तरीके से ये डिसीज़ फैलती है। So, the means of spread of infectious disease. तो उसके लिए आपके बुक में एक फिगर बना हुआ है कि हाउ इट कैन, जैसे कि मान लीजिए किसी को स्नीजिंग आ रही है, तो स्नीजिंग आ रही है तो वो थोड़ी दूर तक स्नीजिंग गिरेगी, तो अगर वहाँ तक का कोई है तो दैट पर्सन कैन इमीडिएटली अफेक्टेड। लेकिन अगर उसमें कुछ वायरस है, कफ एंड कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, स्नीजिंग का मतलब क्या है कि अगर बार बार है तो कहीं ना कहीं उसके लंग्स में वायरस है, कफ एंड कोल्ड है, अगर नॉर्मल है तो वो विंडो के थ्रू या वेंटिलेशन के थ्रू बाहर भी जा सकती है, और एयर वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं दैट कैन स्प्रेड अप टू लॉन्गर डिस्टेंस, क्योंकि वेंटिलेशन या एयर ब्लो करा सकती वायरस को, वायरस तो हल्के होते हैं। सो इस तरीके से वी कैन सी इट कैन स्प्रेड बियॉन्ड योर लिविंग रूम, जहाँ आपका लिविंग रूम है, ड्राइंग रूम है, उससे बाहर भी जा सकती है। तो ऐसे ही डिसीज़ फैलती हैं। तो पहले है एयरबॉर्न डिसीज़। सो फर्स्ट कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ डिसीज़ क्या है? दैट इज़ जो हवा से फैलती हैं। इन्फेक्शियस डिसीज में स्प्रेड, सो कैसे फैल सकती हैं? दीज में स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल पर्सन, फ्रॉम infected person to normal person, तो ये question भी है आपकी book में, by various methods, ये methods हैं। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से method से फैलती है, तो पहला है airborne disease, जो air से फैलती हो डिसीज। एयरबॉर्न का मतलब हमारे अंदर वो डिसीज हुई, लेकिन उसे, उस डिसीज को जन्म देने वाला कौन था? क्या एयर थी? बताओ, एयर नहीं तो उस डिसीज को हमारे अंदर डाला है। सो इट इज बॉर्न विद इन अस ड्यू टू एयर। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कॉमन कोल्ड। सो कॉमन कोल्ड, न्यूमोनिया, अगर आपने कॉमन कोल्ड, किसी के लंग्स में इन्फेक्शन है, पानी भर जाता है बार बार, तो उसको न्यूमोनिया कहा जाएगा। सो इन दिस केस न्यूमोनिया हो गया। रेस्पिरेटरी ट्रैक में डिसीज हो गई, या ट्यूबरक्लोसिस, दमे की बीमारी, जानते हो कि हाउ इट स्प्रेड्स? सो दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। टी, हाँफने वाला होता है तो उसे टीबी भी कहते हैं, तो लंग्स उसके इन्फेक्टेड हो गए, हो जाते हैं। तो इस तरीके की जो बीमारी होगी लाइक ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, जबकि कॉमन कोल्ड है, इसको वायरस फैलाता है। इसको कौन फैलाता है? वायरस। वायरस जानते हो जिस पे कोई जो है सेलुलर मेम्ब्रेन नहीं होती है, उसके पास डीएनए होगा बस, और उसके ऊपर एक प्रोटीन की लेयर होगी और कुछ ज़्यादा नहीं होगा।
तो इस तरीके से होता है। और इसके अलावा नाउ ट्यूबरक्लोसिस, तो ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकती है। न्यूमोनिया का देख लेते हैं कि न्यूमोनिया को कौन फैलाता है, लेट अस सी इट। सो जस्ट क्योंकि लंग में ये एक तरीके का इन्फेक्शन है। सो एक मिनट, कॉजेटिव एजेंट ऑफ न्यूमोनिया, कॉजेटिव एजेंट ऑफ न्यूमोनिया, तो इसको हम अभी देखेंगे कि इसका क्या है, न्यूमोनिया किससे फैलता है। ओके, सो दीज डिसीज। और तीसरी क्या बताई, ट्यूबर क्यूलोसिस, दैट इज टीबी। टी यहाँ से लिया गया और बी यहाँ से, और इसको दमा कहते हैं, ठीक है। नाउ सच डिसीज कैसे फैलती हैं, दे स्प्रेड थ्रू एयर, स्प्रेड थ्रू एयर, ये एयर से फैल जाती हैं, ये बाई एयर, जब एयर एक तरफ से एयर में ये सस्पेंडेड रहती हैं, ये वायरस सस्पेंड हो जाते हैं। जैसे हमने स्नीजिंग की, ट्यूबरक्लोसिस वाले ने अगर छींक दिया तो उसके अंदर के जितनी भी बैक्टीरिया है ये किससे फैल रही है, बैक्टीरिया, तो अगर बैक्टीरिया की वजह से फैलेगी तो ये हवा में फैल जाएगी। कॉमन कोल्ड है तो वायरस हवा में फैल जाएगा। भाई हमने छींका तो हमारे अंदर के वायरस बाहर नहीं आ गए, बताइए। ट्यूबरक्लोसिस है तो बैक्टीरिया बाहर आ गए, ये वायरस बाहर आ गए। तो ऐसे केस में क्या होता है कि नाउ दिस डिसीज देयर पार्टिकल गेट्स सस्पेंडेड इन एयर, ये हम लिख लेते हैं। तो कैसे ये स्प्रेड होती हैं, सो व्हेन क्या होगा, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन स्नीजेस, छींकता है, स्नीज का मतलब क्या होता है, छींकता है, देन वायरस कॉजेटिव एजेंट, कौन हो सकता है ये कॉजेटिव एजेंट, कॉजेटिव एजेंट्स जो इस बीमारी को कॉज करते हैं, वो वायरस भी हो सकते हैं, वो और कुछ भी हो सकते हैं, दैट इज़ ज़्यादातर वायरस या बैक्टीरिया होते हैं, यही दो होते हैं। क्योंकि जो प्रोटिस्टा होते हैं ना, ये प्रोटोजुआ, ये गंदे पानी में रहते हैं, ये हवा में नहीं तैर सकते हैं। आपको मालूम है पैरामीशियम का हमने वीडियो दिखाया था, वो किस पे तैर रहे थे, गंदे पानी में थे ना, यूग्लिना, तो वो हमारे अंदर नहीं वो सर्वाइव कर सकते, वो वहीं पे होंगे। हाँ, जहाँ पर हमारे अंदर फ्लूइड है, जैसे वो डाइजेस्टिव ट्रैक में हमने गंदा पानी पी लिया तो वहाँ वो फैलते चले जाएंगे और डायरिया करेंगे। वो लंग्स को, उनका टारगेट ऑर्गन लंग्स नहीं है, समझ में आया, अमीबा पैरामीशियम का, तो वो फैल भी नहीं सकते। तो जहाँ तक है, सो न्यूमोनिया भी बैक्टीरिया के द्वारा होगा, अभी हम इसको देख के बताते हैं। तो ये जो कॉजेटिव एजेंट है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, सो कॉजेटिव एजेंट गेट सस्पेंडेड इन एयर, ये कहाँ पे आ जाएंगे, क्या हवा में तैरते रहेंगे, बोलो, जब वो स्नीज करेगा, सस्पेंडेड इन एयर, एंड ये क्या हो जाएगा, रीच इन रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑफ हेल्दी पर्सन। तो इस व्यक्ति ने मान लीजिए छींका, तो ये पर्सन अगर स्नीज कर रहा है, एंड दिस इज डिसीज्ड पर्सन, सो डिसीज्ड पर्सन के ये करने से, छींकने से, सो दीज पार्टिकल्स, या तो ऐसे सीधा भी उसी रेंज में कोई आ जाए, क्योंकि ड्रॉपलेट्स हैं, टाइनी ड्रॉपलेट्स, या ये कुछ दूर पर भी गिर सकती हैं, और भी दूर पर गिर सकती हैं, या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर वायरस है तो हवा में तो ये तैरता रहेगा, वायरस का क्या है कि वो और लाइटर है, बैक्टीरिया से भी लाइटर है, बैक्टीरिया तो वैसे खुद ही जो है 5 उसका पिको माइक्रोमीटर साइज होता है, दैट इज़ फिर और उससे छोटा होगा तो वो वायरस होगा, तो वो हवा में वेंटिलेशन के थ्रू बाहर जा सकता है, और बाहर चला जाएगा तो जो हेल्दी पर्सन बाहर रह रहा है, सो क्या वो हेल्दी पर्सन इससे इफेक्टेड हो जाएगा, सो दैट गेट अफेक्टेड विद दिस,
सो ये जो वायरस के पार्टिकल्स हैं, इट रीचेस टू इट, तो इस तरीके से ये एयर इसमें क्या कर रही है, ये एयर बॉर्न डिसीज है। तो इस ये डिसीज्ड पर्सन है, इट इज इन्फेक्टेड पर्सन, और ये हेल्दी पर्सन है। सो हेल्दी पर्सन के पास ये पहुंच जाएगी। वाईफाई का पासवर्ड डाल दो इसमें, नमित इसमें वाईफाई का पासवर्ड डाल दो, हेल्दी नमित इसमें वाईफाई पासवर्ड। पर्सन, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। नाउ तो पहली चीज क्या है, दीज कॉजेटिव एजेंट विच आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे गेट सस्पेंडेड इन एयर एंड दे सस्पेंडेड इन एयर एंड व्हेन हेल्दी पर्सन क्या करेगा, ब्रीथ्स इन एंड ब्रीथ्स आउट। जब ब्रीथ्स इन करेगा, इट एंटर्स इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑफ हेल्दी पर्सन, एंड व्हेन हेल्दी पर्सन हेल्दी पर्सन क्या करेगा, ब्रीथ्स इन, देन दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखिए इसको सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना बोलिए, इट इज डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ लेट मी टेल यू कि न्यूमोनिया कैसे फैलता है और उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है। ओके, causative agent of pneumonia. According to CDC, viruses, bacteria and fungi can all cause pneumonia. In the United States, कोई भी हो सकता है। देखो, वायरस, फंगी और बैक्टीरिया, न्यूमोनिया कोई भी फैला सकता है। बाकी कॉमन कोल्ड है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है बताओ, क्या इन्फ्लुएंजा, बताओ इस बीमारी का नाम क्या है जो आपको होता है। कह देते नहीं कि बच्चे अपने उसमें लिखते हैं कि मैम मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया है तो 2 दिन की छुट्टी चाहिए, ऐसे बोलते हैं कि नहीं। तो इन्फ्लुएंजा यानी कॉमन कोल्ड। और न्यूमोनिया कौन फैलाता है, इसे वायरस, ये वायरस की वजह से भी होता है, और किसकी वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, तीसरा किसकी वजह से हो सकता है, क्या फंगी की वजह से, तो इट कैन बी बाई फंगी। सो सभी इसके कॉजेटिव एजेंट है। जबकि नाउ Now, and when healthy person breathes in, then these disease causing
दिस इज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंटर्स, ये सब कहाँ चले जाते हैं? इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले जाते हैं एंड क्या करते हैं, इन्फेक्ट द हेल्दी पर्सन एंड इन्फेक्ट देम, तो उनको ये नुकसान पहुंचा देते हैं इन दिस वे। तो माइक्रोब्स एक से दूसरे में, इन दिस वे डिसीज को ट्रांसमिट करने का कारण क्या हुआ, क्या एयर में हुआ? क्योंकि उन्होंने उसी एयर में सांस ली, सो उसी एयर में सांस लेने की वजह से क्या हुआ, सो एयर बॉर्न डिसीज कहलाए। ठीक है, दूसरी बात, तो एयर बॉर्न डिसीज, किसी थ्री एयर बॉर्न डिसीज का नाम बताओ प्रार्थना, नेम एनी थ्री एयर बॉर्न डिसीज। हाँ बोलो। हाँ, और ओके, इन्फ्लुएंजा, न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड। अब आगे देखें, सेकंड इज वाटर बॉर्न डिसीज, पानी से जो फैल जाए, कैसे फैलेगी, बॉर्न डिसीज। जैसे मान लीजिए अगर कोई क्या करता है, कोई अगर पानी या रिवर बॉडीज के आसपास शिट कर देता है, डेफिकेट कर देता है, तो उससे क्या होगा, उस डायरिया हो जाएगा, क्योंकि उसमें ई कोली या एस्चेरिका कोली उसमें चला जाएगा पानी में, और उस पानी को जो भी पिएगा तो उससे उसका डाइजेस्टिव ट्रैक में डायरिया लूज मोशन हो जाएगा। ठीक है, सो कॉलरा जैसे कुछ चीज़ें हैं, कॉलरा यानी इसको फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं, कॉलरा जानते हो आप, फूड पॉइजनिंग, गंदा खाना खाने से, कई बार ऐसी मिठाइयाँ होती हैं जिस पर मक्खी बैठी रहती है, तो उससे भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो ये चीज़ है। इन्फेक्शियस डिसीज, सो दीज आर एंड अदर वाटर बॉर्न डिसीज, फॉर एग्जाम्पल डायरिया तो है ही है, एग्जाम्पल ऑफ वाटर बॉर्न डिसीज। सो लेट अस According चेक to Lantech, some waterborne pathogenic microorganisms नाउ, spread by water can cause severe life-threatening जैसे diseases. कि Example of टाइफॉइड, typhoid fever, cholera, and hepatitis A or E. Other microorganisms टाइफॉइड induce फीवर आप less जानते dangerous हैं, diseases. Often, diarrhea is the main symptom. टाइफॉइड फीवर का मतलब होता है तपेदिक बुखार जो 1 महीने तक रहता है, तपेदिक। इससे अगर जिसके जिसको टाइफॉइड अगर हो गया तो समझ लो उसका आगे ना आगे लीवर या किडनी जरूर खराब होगी। टाइफॉइड ये एक तरीके की क्रॉनिक डिसीज है, वो जरूर डॉक्टर पूछता है कभी बचपन में आपको टाइफॉइड हुआ है, इंटरमीडिएट आएगा, रात को आएगा और दिन में उतर जाएगा, लेकिन 1 महीने तक चलता है, तो इस तरीके से हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है। कॉलरा हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, टाइफॉइड हो गया, और हेपेटाइटिस, सो हेपेटाइटिस की भी जो बीमारी होगी ये किसकी वजह से होगी, नाउ हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी ज़्यादा खतरनाक है और ये जानलेवा, ये तो वायरस की वजह से होती है। ठीक है, वायरस क्या होते हैं, जब हमारी बॉडी में आते हैं तभी एक्टिव होते हैं, बाहर रह के ये अपना साइकिल नहीं पूरा कर पाते, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो क्योंकि इनके पास कोई सेल नहीं होती, वायरस तो सेल नहीं है, वायरस क्या चीज़ है, वायरस में क्या, देखो ये वायरस है, वायरस में क्या चीज है, वायरस में डीएनए है और डीएनए के ऊपर प्रोटीन का कोट है, बस इतना ही है, कुछ ना, इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास अपना एक माइक्रोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम तक नहीं कुछ बना पाएगा, डीएनए के लिए कुछ, डीएनए के पास कोड है बनाने का, तो जैसे तुम्हारे पास फार्मूला है और 1 रुपए भी नहीं, तुम हवाई जहाज बना लोगे क्या, बोलो। तो जब इसके पास राइबोसोम नहीं है एनर्जी के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, कुछ कर नहीं पाएगा, ये अपना डीएनए ही नहीं रेप्लिकेट कर पाएगा, तो ये तो वायरस हो गया, इसको क्या कहेंगे, देख लो, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का हमने दिखाया ना डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया, तो अभी हम फिर से दिखा देंगे आपको कि इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं, और बैक्टीरिया की क्या एक सेल वॉल भी होती है,
और बैक्टीरिया के पास क्या अपना फ्लैजेला होता है, और बहुत सारे ऐसे पाइलस होते हैं बैक्टीरिया, तो ये सब चीज़ें होती हैं, और बहुत सारे यहाँ सीलिया भी होते हैं छोटे छोटे। और यहाँ पर और क्या है, बैक्टीरिया के पास राइबोसोम है, क्या साइटोप्लाज्म भी है? साइटोप्लाज्म भी है, और साइटोप्लाज्म और क्या क्या चीज़ है, ये पाइला है या पाइलस, तो और ये क्या है, फ्लैजेला मूवमेंट के लिए। तो फ्लैजेला क्या ये प्रोकैरियोट है, और ये क्या है, क्या डीएनए? तो अगर हमें देखना है कि वायरस क्या होता है और बैक्टीरिया क्या होता है, तो जरा देखें वायरस। नाउ आप जस्ट ये देख लें कि वायरस के पास ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसके अंदर एक डीएनए होगा, और डीएनए के अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? प्रोटीन कोट होगा, कई तरीके के वायरस हैं यहाँ पर, ये सब दिखाए गए हैं वायरस। सो वायरस किस किस तरीके से हो सकते हैं, अगर हम इसे देखें तो ये है, ये सिर्फ इसमें किसी में, ये जैसा नहीं होता इंजेक्शन किसी के बॉडी पे बैठ के और ये एक वायरस आ जाए और अपना डीएनए अंदर डाल दे, ये डीएनए का वो माउथ है, यहाँ से डीएनए अंदर डाल दे। तो क्या अगर तो एक मैनेजर है वो किसी कंपनी में चला जाए और वो उस कंपनी में जूते बन रहे थे, लेकिन वो अपनी तरीके के वो मोजे बनवाने लग जाए, सिर्फ मैनेजर, उसके पास 1 रुपये नहीं था, अब वहाँ 2 मैनेजर हो गए, डीएनए मैनेजर होता है ना किसी भी सेल का, बोलो। तो ये किसी भी सेल में चला जाएगा और वहाँ 2 मैनेजर हो जाएंगे, वो वहाँ का सामान बंद करवा दे और अपना सामान बनवाने लगे, तो उसे क्या कहेंगे बताइए? वायरस। इसके पास कुछ नहीं है, एक प्रोटीन कोट है, और अंदर में क्या है जरा देखो, क्या अंदर में डीएनए है, एंड बाकी तो ये क्या है, इसके द्वारा ये डालता है, ये कुछ कोई इंसेक्ट जैसा नहीं है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि वायरस क्या होता है, इट कंटेन्स ओनली इट्स जेनेटिक मटेरियल, और कुछ नहीं इसके पास, और एक प्रोटीन कोट, इसके पास कुछ नहीं है। जबकि बैक्टीरिया में सेल डिवीजन कैसे होता है, और जो वायरस आप देखते हो रोजमर्रा में भी, तो यहाँ पर भी देखो, तो इसके पास ये समझो एक तरीके से सिर्फ न्यूक्लियस है, आप वायरस को न्यूक्लियस से ज़्यादा मत समझो, कुछ ये कह सकते हो कि इसमें अंदर में साइटोप्लाज्म है, तो उस साइटोप्लाज्म ना कह के इसे कहो न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर जो होगा वो क्या होगा बताओ, क्या न्यूक्लियोप्लाज्म होगा भाई? जब ये सिर्फ एक न्यूक्लियस न्यूक्लियस है, तो सबसे पहले वायरस बना होगा, न्यूक्लियस बना होगा, तभी तो उसके बाद फिर बैक्टीरिया बना होगा, फिर बैक्टीरिया के बाद क्या बना होगा, प्रोकैरियोटिक सेल के बाद, तब यूकैरियोटिक बने होंगे। तो ये वो सेल है, सबसे पहले क्या बना दुनिया में, क्या ये बना न्यूक्लियस, बोलो, यही है वायरस। लेकिन न्यूक्लियस अकेले कुछ कर सकता था क्या? वो तो डिवाइड भी नहीं हो सकता था, तो ये न्यूक्लियस बना, यही वायरस है। फिर कौन बना? प्रोकैरियोटिक। फिर उसके बाद क्या एनिमल सेल बने, प्लांट सेल बने जो प्रोकैरियोटिक है, यही तो पढ़ा है ना अपने चैप्टर में। तो हम ये देखेंगे कि दैट इज सेल डिवीजन इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया अपना सेल डिवीजन कर सकता है, ये नहीं है कि बैक्टीरिया नहीं कर सकता, क्योंकि जो बैक्टीरिया है, ये देखो बैक्टीरिया में हो रहा है सेल डिवीजन। और अगर आप डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया देखें तो वो किस तरीके का होगा, लेट अस सी लेबल्ड डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया। सो नाउ यू कैन सी, जो कि आपके 9th में बना हुआ है, लेट अस सी इसमें क्या क्या चीजें हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये देख लो, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें क्या क्या चीजें दिख रही हैं आपको नाउ, ये तो इसमें बहुत सारी चीजें, क्या सेल वॉल है, देख लो सेल वॉल भी लिखा है, सेल वॉल है, ये देख लो फ्लैजेला है, इसके अलावा पाइला है क्या, इसके अंदर ये कौन से हैं, प्लाज्मिड्स हैं, प्लाज्मिड्स भी हैं, ठीक है, और क्या होगा कि बाकी राइबोसोम है, और क्या है न्यूक्लियोइड है, तो कहाँ कहाँ पर ये सब,
फ्लैजिला के बगल में क्या है? ये सारे ना, ये इसके लोकोमोशन के लिए ऐसा इसमें भी होता है पैरामीशिया में, तो ये क्या होते हैं, इसको चलने फिरने में मदद करते हैं, दैट इज पाइला। तो ये बैक्टीरिया डीएनए ये क्या करता है, ये जो पाइलस हैं ये इससे क्या करता है, दूसरे बैक्टीरिया के साथ कंजुगेशन करता है, तो कंजुगेशन के साथ बगल में दोनों बैक्टीरिया चिपक जाते हैं और अपने डीएनए को कई बार ये क्या करता है, दूसरे में ट्रांसफ़र भी कर सकता है, उसके लिए पाइलस होते हैं। लेकिन पाइलस के अलावा इसमें सीलिया भी होता है मूवमेंट के लिए, तो ये डीएनए इंजेक्ट करने के लिए दूसरे में, और नहीं तो अंदर ही अंदर इसका डीएनए डबल हो जाएगा, और डीएनए डबल होने के बाद क्या दो बैक्टीरिया बन जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले एक फिगर दिखाया, जैसे हमने आपको माइटोसिस नहीं बताई थी कि एक सेल से दो सेल बन जाते हैं, फिगर सेल में जब सेल डिवीजन वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बताई थी, तो वहाँ पर भी तो ये बताया था कि कैसे डीएनए रेप्लिकेट होता है। बोलो माही। तो ऐसे ही रेप्लिकेट हो जाता है, लेकिन इतना जान लो कि बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर सकता है, लेकिन वायरस तभी मल्टीप्लाई कर सकता है जबकि वो दूसरे के अंदर जाए, वो दूसरे सेल में चला जाए तो मल्टीप्लाई कर सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे देखिए कि मान लीजिए ये चीज़ है, तो जो वायरस होता है, वायरस के लिए कोई गोली नहीं होती, डॉक्टर बोलता है इसको तो वायरल फीवर है, आप चिंता मत करें इसे तो वायरल फीवर है, ऐसे बोल देगा। तो वो जो हमने दिखाया था कि वायरस अपना लेग इस पे रख देगा, और इसका डीएनए क्या इसमें बंद था वायरस का, और जब इसमें रखेगा तो ये इसमें क्या करेगा, यहाँ तक इसको ले जाके और दब जाएगा, तो क्या इसका डीएनए इसके अंदर चला जाएगा? बोलो। अच्छा, अब इस सेल में क्या है, इस सेल में एक न्यूक्लियस है, क्या न्यूक्लियस के पास अपना डीएनए है? ये वायरस अपना डीएनए छोड़ेगा तो इसको तोड़ डालेगा। अब इसका अगला स्टेप क्या है, ये इसको इसके टुकड़े टुकड़े कर डालेगा, कहेगा तुम, उसको मार डालेगा जो वहाँ मैनेजर था, और इसकी सेल वॉल भी तोड़ डालेगा, और खुद अपने चारों तरफ एक सेल वॉल बना लेगा, मतलब खुद मैनेजर बन जाएगा, जो पुराना मैनेजर है क्या उसे मार डालेगा। कई कई बार एक बहरूपीय नहीं होते हैं जो दूसरी शक्ल के होते हैं, तो लोग समझेंगे यही मैनेजर है, तो क्या ये न्यू मैनेजर है? बोलो। तो न्यू न्यूक्लियस, और जो पेरेंट न्यूक्लियस था उसे इसने मार डाला। बोलो। और ये क्या करेगा, जहाँ पर अच्छी अच्छी साग सब्जियाँ बन रही थी, वहाँ क्या ये नशे की चीज़ बनाने लगेगा, चरस गांजा शराब अफीम ऐसी चीज़ें बनाने लगेगा, ओपियम, उल्टे पुल्टे काम करेगा, यानी ऐसी चीज़ें ये यहाँ जनरेट करेगा जो पैथोजेंस, वो ये तोड़ देगा। इट इज़ सो पावरफुल दैट इट डैमेजेस द ओल्ड मैनेजर, और ये खुद अपने जेनेटिक मटेरियल को बनाएगा। सेल तो डिवाइड होता ही है, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, बोलो सेल डिवाइड होता है कि नहीं होता है? तो ये अब क्या करेगा, जब ये चला गया है इसका कोई मतलब नहीं, इसे बाहर भी फेंका जा सकता है, तो लाइजोसोम से खाएगा इसको, खा जाओ। और जो दूसरे लोग हैं उनको, अब जो दूसरे लोग हैं इसके चारों ओर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना लेगा और उनसे कहेगा जैसा मैं कह रहा हूँ वो बनाओ, तो ये वहाँ पैथोजन बनवाएगा, क्या बनवाएगा, अपना चीज़ बनाएगा, ऐसे ऐसे हार्मफुल चीज़ें बनवाएगा, पूरी बॉडी में वायरस ही वायरस फैल जाएगा। तो ये जब तक बाहर था तब तक ये क्या मल्टीप्लाई कर पा रहा था, क्या ये अपने आप को डिवाइड कर पा रहा था कि नहीं, लेकिन यहाँ होने की वजह से क्या कर पाया, क्या अब ये दो बन गया? बोलो। मल्टीप्लाई हो गया। तो वायरस जब किसी में जाएगा तभी काम कर पाता है, वायरल फीवर है तो वो हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई कर पाएगा, बाकी दूसरी चीज़ें भी होती हैं, तो ये सब होता है। तो इसलिए कहते हैं कि वायरस की कोई दवा नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है कि न्यूक्लियस की वाल पर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे अटैक करता है, न्यूक्लियर तोड़ता है। हमारी बॉडी में ही कुछ ऐसे एंटीजन है जो इन पैथोजेंस को मार देते हैं। तो ये वायरस क्या है, क्या पैथोजन है? बोलो। पैथोजेनिक वायरस है ना, पैथोजेंस का क्या मतलब होता है बताओ, जो बीमार भाई, अब हमारी बॉडी में जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो क्या इन्हीं डीएनए की हमारी बॉडी को जरूरत थी कि नहीं भाई, ये तो अपने प्रोडक्ट बनवा रहा है, और वो जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, आर दे हेल्पफुल फॉर अवर बॉडी, आर दीज सेल्स गुड फॉर अवर हेल्थ? ये वो सेल ही नहीं है, ये जहाँ जहाँ भी जाएंगी आँख में चली गई तो आँख को देखना बंद कर दें,
क्योंकि इसके अंदर तो वायरस है, तो हमारी बॉडी एक बायो मॉलिक्यूल है, बायो केमिकल रिएक्शन है। अगर तुम दूसरी चीजें डाल दो तो क्या वैसी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो सकती है? तो ये तो अपने तरीके के डीएनए बना रहा है, फॉर्मेट करा रहा है, तो क्या वो सूटेबल है हमारी बॉडी के लिए? जैसे कहा जाता है ये चीज तुमने खा ली है पॉइजन है, तो पॉइजन कुछ नहीं होता है, जो हमारी बॉडी की बायोकेमिकल रिएक्शन को रोक दे वही पॉइजन है। इससे ज्यादा कुछ होता है पॉइजन? बोलो, हमारे अंदर प्रोटीन अपना काम ना करे, हम मर जाएं, यही पॉइजन है। तो उसी तरीके से ये जो चीज़ें हैं, ये कौन है बताइए? वायरस। इसने क्या बनाया? क्या पैथोजन? पैथोजन क्या होता है बताइए? दैट इज डिसीज जनरेटर। पैथोस का मतलब क्या होता है बताइए? डिसीज और जेन का मतलब जनरेटर। सो पैथोजन्स, सो वायरस आर पैथोजन्स। वायरस क्या है? दीज आर पैथोजन्स एंड किल्ड बाई, इन्हें कौन मारेगा? एंटीजेंस। एंटीजेंस कौन होते हैं बताओ? क्या हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स हैं क्या? बोलो, प्रेजेंट इन अवर बॉडी। तो प्रेजेंट इन अवर बॉडी, तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि इसको वायरल फीवर है, आप चाहे तो दवा लें और चाहे तो ना लें, ये पाँच दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा, बॉडी में एंटीजन प्रेजेंट है, वो मार डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने देखा जो वाटर बॉर्न डिसीज है वो कैसे फैलती हैं, कौन कौन सी डिसीज देखी, जैसे कि हमने आपको बताया कॉलरा हो गया, टाइफाइड फीवर हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, डायरिया। तो ये तो हमने एक वायरस के बारे में परिचय दिया है, बट दिस इज नॉट ऑफ मेन लाइन। तो हमने क्या बताया कि कॉलरा, फूड पॉइजनिंग, डायरिया, डायरिया का मतलब क्या होता है? लूज मोशन। ये प्रोटोजोवा से होता है, तो ये वाटर बॉर्न हुई कि नहीं? और कॉलरा दैट इज ऑल्सो फ्रॉम बैक्टीरिया। तो क्या पानी में बैक्टीरिया भी होते हैं? हाँ, वाटर में भी बैक्टीरिया होते हैं, तो ये बैक्टीरिया से होता है। डायरिया किससे होता है? ये 1 मार्क के एमसीक्यू खूब पूछे जाते हैं। अच्छा, इसके साथ बताओ हेपेटाइटिस बी, अगर आपने ठीक पानी नहीं पिया, पोर्टेबल वाटर नहीं है, इन्फेक्टेड वाटर है, तो आपको क्या हो जाएगा? तो ये सही आपने कहा, ये वायरस से होता है, तो ये वायरस से हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी हो गया, कॉलरा हो गया, डायरिया हो गया, सो दीज आर कॉज्ड बाय, ठीक है। और इसके अलावा हमने एक और चीज़ देखी, टाइफाइड फीवर का मैं बता रहा हूँ। सो नाउ इट इज़ बैक्टीरिया। तो कॉलरा भी बैक्टीरिया से होता है, और दूसरा कौन सा है? दैट इज टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर, ये सारी बीमारियाँ, ये दीज आर प्रेजेंट, सो आर वाटर बॉर्न। ये कैसी हैं? वाटर बॉर्न। इसका मतलब क्या है कि ये वाटर बॉर्न है? एज बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एंड प्रोटोजोआ के 2-3 एग्जाम्पल मालूम है, वो फुल फ्लेज सेल हैं, बैक्टीरिया की तरह आधे अधूरे ना समझ लेना कि बस सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट है, ऐसा तो नहीं समझ रहे हो, बोलो। क्योंकि ये कैसे हैं? दीज आर फुल फ्लेज। सो नाउ दीज आर वाटर बॉर्न एज डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ठीक है, वायरस, वायरस वाला भी है, हेपेटाइटिस भी, ये भी है, वायरस भी रहेगा पानी में। बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया की तरफ एरो लगा है। तो इस तरीके से डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस, बैक्टीरिया, और तीसरा क्या है, डायरिया, हेपेटाइटिस बी, जो भी है डिसीज कॉजिंग, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, ये सब, मतलब कॉलरा, डायरिया, हेपेटाइटिस बी, ये सब क्या हैं? दीज आर वाटर बॉर्न। दीज आर कैसी है बताइए? दीज आर वाटर बॉर्न। एज क्यों है वाटर बॉर्न? जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर, पानी में हम छोड़ दें, कैसे छोड़ोगे बताओ पानी में? इनटू वाटर, टू वाटर बाय डिसीज्ड पर्सन,
या इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू डेफिकेशन, जो रोगी व्यक्ति है यदि वो नदी नाले के पास जा करके डेफिकेट कर दे, ह्यूमन एक्सक्रीटा छोड़ दे, शिट कर दे, तो उससे पानी गंदा हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए वो दूसरी बीमारियां होंगी, लेकिन होता क्या है कि ये जो भी चीज़ें हैं ये हमारे स्टमक या डाइजेस्टिव ट्रैक में जाकर, क्योंकि माउथ में इतनी ज़्यादा नहीं रहती हैं, इनका जो है आगे चल के सेल डिवीजन तेज कहाँ होता है, ये ऐसे माउथ में नहीं होंगी कि पानी पिया फेंक दिया तो हो गया। ये चीज़ देखो कि वो जो एक्सक्रीटा करेगा उसमें वो मिलियंस एंड मिलियंस हैं, वहाँ स्टमक में तो उसने अपना जाल बिछा लिया है, तभी तो लूज मोशन हो गई। समझ में आई बात कि नहीं? तो डेफिकेशन से ये ज़्यादा फैलेगी। तो बाई इन्फेक्टेड पर्सन डेफिकेटिंग नियर वाटर बॉडीज, डेफिकेटिंग नियर वाटर बॉडी एंड सच वाटर इज यूज्ड बाई हेल्दी पर्सन, और अगर इस पानी को सच वाटर इज यूज्ड और उसे कौन इस्तेमाल कर ले, अगर हेल्दी पर्सन इस्तेमाल कर ले देन दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर इनटू, फिर वो कहाँ इंटर हो जाएंगे इनटू, ये जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, क्या इसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहते हैं, क्योंकि इसमें गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं, स्टमक में से बहुत सारे जूस निकलते हैं क्या, जो हमारे खाने को पचाते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, तो इसलिए एंड यूज्ड बाय हेल्दी पर्सन। सो इतना आपकी जानकारी के लिए बता दिया है कि आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है या डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है, उसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहते हैं बाय हेल्दी पर्सन। एंड दिस पैथोजन रीचेस, ये रोग कारक कीटाणु कहाँ पहुँच जाते हैं, रीचेस टू डाइजेस्टिव सिस्टम या एंटर्स डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटर कर गए, या इसे क्या कहते हैं, दैट इज एलिमेंटरी कैनाल, वहाँ पर इंटर कर गए, या फिर क्या हुआ, दैट इज गैस्ट्रो, स्टमक को गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं ना इस स्टमक में से, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। आप डाइजेस्टिव सिस्टम लिख लीजिएगा। तो इनका टारगेट ऑर्गन क्या है बताइए, वाटर बॉर्न डिसीज का, क्या ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है इनका टारगेट ऑर्गन बताइए, और इनके कॉजेटिव एजेंट कौन कौन से हैं जो ये बीमारी पैदा करते हैं। सो इट्स टारगेट ऑर्गन इज डाइजेस्टिव ट्रैक हमारे यहाँ, गैस्ट्रो, गैस्ट्रिक जूसेज निकलते हैं तो उसे क्या लिखा जाएगा, गैस्ट्रो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, तो एक ही बात है सब, इसका मतलब है कि वो हमारे भोजन नली में प्रवेश कर जाते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कॉलरा किससे होता है अनुराग, बहुत अच्छा, टाइफाइड फीवर, प्रार्थना डायरिया किससे होता है, चलो माही को बताने दो, माही, और हेपेटाइटिस बी वायरस, सो इट इज स्प्रेडिंग बाय वायरस, इट इज ओके। नाउ नेक्स्ट इज, तो हमने वाटर बॉर्न डिसीज कर देख ली कि किस तरीके से फैलती है। नाउ इस तरीके का कोई एक, ऐसे ही बोला जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है, रास्ता होता है। नाउ एक मिनट, डाइजेस्टिव ट्रैक, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, डाइजेस्टिव, समझ में आई बात, ट्रैक बोला जाता है, ट्रैक का मतलब रास्ता। अब देखो, अच्छा इस तरीके के एक बैक्टीरिया का नाम क्या है, ई कोली, एस्चेरिका कोली इज वन ऑफ द बैक्टीरिया विच कॉजेज डायरिया, एस
चेरिका, ये बहुत फेमस है हमारे भारत में, बहुत सारे लोग इसी से बीमार हैं। एश चेरिका कोली, या फिर इसे क्या कह सकते हैं, ई कोली इज द बैक्टीरिया विच कॉजेज डायरिया। तो एक हमने देख ली छींकने की, इन्फ्लुएंजा जो है वो बाई एयर होता है। अगर हम देखें तो इन्फ्लुएंजा कार्तिक किससे फैलता है, फंगी से या प्रोटोजोआ से या बैक्टीरिया से? कार्तिक बताओ, फंगी से, प्रोटोजोआ से या बैक्टीरिया से इन्फ्लुएंजा किससे फैलता है? अच्छा माही बताओ। वॉट इज स्प्रेडिंग इन्फ्लुएंजा, बताइए। हाँ वायरस से ही फैलता है, बताया था, हवा में हल्के होते हैं और ये फैलते रहते हैं, इस तरीके से होता है। तीसरी चीज़ है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, STD, मिटेड डिसीज। नाउ एक हमने एयर बॉन्ड देख ली, एक वाटर बॉन्ड देख ली, एंड दिस इज STDs, दीज आर वेरी डेंजरस, ये जानलेवा भी हो सकती है। जैसे सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, वार्ट्स, इसके एग्जाम्पल क्या हैं? दैट इज हाँ सिफिलिस, अभी हम मतलब जो रोगी होते हैं ना उनके पूरे शरीर में दाने दाने हो जाएंगे, पस आने लगेगा, तो बहुत डेंजरस बीमारियाँ हैं और जान भी जा सकती है। सो दीज आर फेटल डिसीज, कौन कौन सी हैं? सिफिलिस। तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये नाम याद रखें, और सिफिलिस और गोनोर होइया, और इसमें वाइट पस या वाटर, हाँ ओके वॉट्स, ये नाउ इसके अलावा हर्प्स होती है एक डिसीज, और एड्स भी होती है, तो ये सारी बीमारियां हैं, ये अभी हम बता रहे हैं आपको। तो इसके अलावा एड्स, ठीक है, अब जरा देखो कि दीज आर, इसको देख के बताएंगे, एड्स को क्या कहते हैं? दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यून की डेफिशिएंसी हो गई, CNC सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? क्या अगर कोई भी सिंड्रोम का मतलब है कि जब बीमारी आती है तो कुछ अपने साथ साइन लेके आती है, उसकी निशानी होती है, जैसे फीवर आता है तो उसका सिंड्रोम क्या है? क्या बॉडी जलने लगती है, टेम्परेचर राइज हो जाता है? जैसे इन्फ्लुएंजा आता है तो क्या आपको फ्रीक्वेंट छींके आने लगती हैं, यू स्नीज फ्रीक्वेंटली? तो ऐसे इसका सिंड्रोम क्या है कि आपके अंदर की जो है जो इम्यून सिस्टम है वो डैमेज हो जाएगा, कुछ भी जरा सी चीज़ होगी तो आपको सर्दी जुकाम बुखार लगा रहेगा। एंड कॉज्ड बाई किसकी वजह से होती है? HIV। HIV का मतलब क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो एक तो समझ में आया ये किसकी वजह से होती है, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अगर कोई HIV पॉजिटिव है तो इसका मतलब है क्या उसे बीमारी है या नहीं एड्स की, बताइए। अगर कोई कोरोना निगेटिव है, भाई आप देख लीजिए, अगर कोई कोरोना निगेटिव है इसका मतलब क्या है, क्या उसे कोरोना है या नहीं है? नहीं है। निगेटिव का मतलब है कि कोरोना का वायरस उसमें नहीं है, और कोरोना पॉजिटिव हो गया तो है, HIV पॉजिटिव हो गया यानी HIV का वायरस उसमें है, पॉजिटिव का मतलब है। इफ सम पर्सन इज अफेक्टेड बाई HIV पॉजिटिव या फाउंड HIV पॉजिटिव, दैट मीन्स दैट पर्सन इज हैविंग एड्स। नाउ वी विल सी, हाँ यानी उसमें HIV है, पॉजिटिव का मतलब वो वायरस उसमें है। नाउ कोरोना
कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस एंड गोनोरोया। हियर इज सम इंफॉर्मेशन फॉर व्हाट आर द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ सिफिलिस एंड गोनोरिया। अकॉर्डिंग टू एकॉग, इन्फेक्शंस इंक्लूड क्लैमिडिया, गोनोरिया, ह्यूमन पैपिलोमावायरस एचपीवी, herpes, syphilis, and human immunodeficiency virus, HIV, the cause of acquired immunodeficiency syndrome, AIDS. Now, gonorrhea जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है, इसमें लिखे बैक्टीरिया। एंड नेक्स्ट इज ये भी बैक्टीरिया से होता है, ये दोनों बैक्टीरियम से होते हैं। अभी बैक्टीरिया का नाम बता देंगे आगे, तो बैक्टीरिया आगे एक लिस्ट है उसमें बताएंगे। तो ये समझ में आ गई कि सिफिलिस कैसे होती है एंड दैट इज हाउ इट इज स्प्रेड। नाउ वी विल सी दैट पर्सन अफेक्टेड बाय सिफिलिस। तो जैसे अगर किसी भी को सिफिलिस हो गया तो आप देखें कितनी बेकार की दशा होती है, कैसे दाग पड़ गए छोटे बच्चे को। तो किसी को सिफिलिस हो गया, चेहरे पर दाने पड़ जाएंगे, देखो कैसे दाने आ गए पूरे मुंह में। सो दीज आर वेरी डेंजरस डिसीज। और अंत में क्या ये सिफिलिस है, जो सिफिलिस है बहुत जगह क्या होता है कि चेहरे पे दाने पड़ जाना या इस तरीके से, आप देख रहे हैं ना ये किस तरीके के दाग आ गए। तो सिफिलिस होने पर कहीं पर सोर आ जाएंगे दाने, फेस पे कहीं पर भी पूरी पीठ में दाने, कितने बड़े बड़े सोर्स हैं। तो अगर आप देखेंगे ए पर्सन, जैसे हम लोग ऐसे नहीं देखते थे जिसको चिकन पॉक्स हो जाता था, ये देखो पूरी बॉडी में किस तरीके के दाने पड़ गए। तो और कुछ में पस भी आने लगता है, तो इट इज़ वेरी इरिटेटिंग एंड लुकिंग ऑकवर्ड, पैर में, मुंह में या कहीं पर भी चेहरे पर घाव सा हो गया है। सो इट इज़ या इस तरीके की बीमारी, समझ में आया सिफिलिस गोनोरोया। सो उससे जान भी जा सकती है। सो पर्सन अफेक्टेड बाई सिफिलिस, चाहे कुछ भी हो, बच्चे को भी हो सकती है, छोटे बच्चे को भी, तो ये बीमारी अगर माँ को है तो बच्चे को हो जाएगी। सो इट इज कॉज्ड, तो बैक्टीरियम है और एड्स क्या है, वायरस है। तो ये कैसे होती है, इट इज ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। अगर एक पार्टनर को है, मान लीजिए मदर को है तो फादर को हो जाएगी, फादर को है तो मदर को हो जाएगी, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होती, हाथ मिलाने से नहीं होगी, खाना खाने से नहीं होगी, बट सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से हो जाएगी। तो सेक्सुअल, और इट इज़ नॉट स्प्रेड बाय, लेकिन लोगों को डर रहता है कि एड्स के बीमार के पास ना जाओ और उसे नौकरी से निकाल दो, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी को हो गया है देन वी, वो हमारी सहानुभूति का पात्र है। So be compassionate to those person who are having sexually transmitted disease because it does not simply spread. तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, it does not spread by casual physical contact. Spread by casual physical contact. तो आपने देखा ये दीज आर वेरी डेंजरस डिसीज़ एंड इट फिजिकल कॉन्टेक्ट, जो कौन, जैसे हैंड शेक, हैंड शेक से फैलेगी कि नहीं फैलेगी बताओ, आ जाते हैं हैंड शेक। सो हैंड शेक से ये नहीं फैलती है, और हग्स अगर आप किसी से गले मिलेंगे तो नहीं फैलेगी, स्पोर्ट्स किसी के साथ, ऐसे पर्सन के साथ खेलेंगे तो भी नहीं फैलेंगे। तो इस तरीके से रेसलिंग या कुछ भी हो तो इस तरीके से नहीं फैलती है। तो इट इज़ ओनली बाई मेटिंग या सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से ही फैलती है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने थर्ड चीज़ देख ली और उनके कॉजेटिव एजेंट देख लिए कि कैसे फैलती है। और इसके अलावा
इट स्प्रेड्स फ्रॉम बाई ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड ऑफ डिसीज्ड पर्सन. एसटीडी कैसे फैलती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एसटीडी स्प्रेड बाई, एक से दूसरे में जब ब्लड डाला जाता है ना, तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड. भाई किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट है और आपने चेक नहीं किया कि उसको एसटीडी है, एड्स है, गोनोरोया, डाल दिया उसका ब्लड हेल्दी पर्सन में, तो उसको भी एसटीडी हो जाएगी. सो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम डिसीज्ड पर्सन टू हेल्दी पर्सन और कभी शेयरिंग रेजर्स. अगर आपने ऐसे व्यक्ति का, चाहे आपने क्या है अपने शेविंग के लिए ऐसे रेजर्स इस्तेमाल कर लिए जो वो इस्तेमाल कर रहा है, तो उससे भी हो जाएगा. फ्रॉम प्रेग्नेंट मदर टू चाइल्ड भी ये चला जाता है, ये डिसीज़ फ्रॉम मदर टू चाइल्ड. मदर टू अनबॉर्न चाइल्ड, हाँ. सो शायद इस तरीके से ये फैलती है, जो इसके रीजंस हैं. अब हम आगे देखें. नाउ नेक्स्ट वन इज फॉर्माइट बॉर्न डिसीज. फॉर्माइट बॉर्न डिसीज क्या होती है? अगर आप रोगी के बर्तन इस्तेमाल करेंगे, उसके कपड़े इस्तेमाल करेंगे, या उसने कोई टच किया है, उसने हैंडल छू लिया है दरवाजे का, उसी हैंडल को आप भी टच कर लो, तो क्या होगा? तो क्या होगा? दिस इज फॉर्माइट बॉर्न डिसीज. सो आर्टिकल कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ पेशेंट एक्स एज सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. सो इफ हेल्दी पर्सन ठीक है टचेस हैंडल्स ऑफ डोर, हैंडल्स ऑफ डोर विच वॉज अर्लियर टच बाई इन्फेक्टेड पर्सन. ऐसी भी कुछ बीमारियां होती हैं टच्ड बाई इन्फेक्टेड पर्सन. Then it is called formite borne disease. तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां जो ऐसे फैल जाती हैं? Borne disease. It spreads. हाँ, it spreads by using. हाँ, यूटेंसिल्स क्लॉथ्स टॉवेल्स, ऐसा अगर हम यूज़ कर लें, उसके बर्तन में खाना खा लिया तो भी ये फैल जाती हैं. ठीक है, क्रॉकरी कुछ भी अगर हम यूज़ करते हैं, देन इट कर सकते हैं, इट स्प्रेड्स बाय यूजिंग. तो जस्ट वी शुड सी एग्जांपल्स ऑफ फॉर्माइट बॉर्न डिसीज. Now, so ये इसमें इन्फ्लुएंजा आ जा रहा है कि अगर किसी को इन्फ्लुएंजा है और आप उसी का हैंकरचीफ इस्तेमाल कर लें तो वो आ जाएगा. सो इसका एग्जांपल क्या है? और बहुत सारे और भी चीज़ें, कोरोना भी इसमें आ जाएगा, जो ऐसे भी है किसी का, किसी कोई चीज़ छू के चला गया कोई और तुमने छू लिया तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ. सो दीज आर, और इन दोनों के ओरिजिन कहाँ से हैं, कॉजेटिव एजेंट क्या है, क्या वायरस? सो इन दोनों का कॉजेटिव एजेंट ये है. नाउ इस डिसीज विच स्प्रेड थ्रू वेक्टर्स, कुछ ऐसी डिसीज भी हैं कि
स्प्रेड थ्रू वेक्टर्स। वेक्टर का मतलब क्या है? कीड़े मकोड़ों से, इंसेक्ट से, या किसी न किसी तरीके से फैलें। सो मैनी एनिमल्स विच लिव अस मे कैरी डिसीज। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैनी एनिमल्स विच लिव विद अस आर डिसीज कैरियर, मे बी डिसीज कैरियर। तो उनमें कुछ बीमारी होगी, वो हम में आ जाएगी। मे एक्ट एज डिसीज कैरियर, उनमें बीमारी है और उससे मनुष्यों में आ जाएगी। नाउ दीज एनिमल्स कैन ट्रांसफर डिसीज फ्रॉम ए सिक पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन विच इज ए पोटेंशियल होस्ट। यानी बीमारी है किसी में तो उसमें कोई एजेंट है तो वो दूसरे के शरीर में चला जाए, तो जिसके शरीर में कोई जाएगा तो वो होस्ट है। अगर हमारे अंदर वायरस आता है तो हम होस्ट हैं और बैक्टीरिया गेस्ट है, कि हम गेस्ट हैं बैक्टीरिया होस्ट है? बताओ, हम उसको बुला रहे हैं, आओ मेरे शरीर में तुम्हारी दावत है, हम होस्ट हैं क्योंकि हमने बैक्टीरिया को बुला लिया। हाँ, क्योंकि उसको हमने बुला लिया, मेरे शरीर में आओ, तुम्हें दावत देते हैं, मेरे शरीर में आओ, फलो फूलो, तो वो गेस्ट हो गया। सो एक्ट एज डिसीज कैरियर। सो ये क्या करते हैं? दे कैन ट्रांसफर। कौन ट्रांसफर कर सकता है? जैसे मॉस्किटोज हो सकता है, या फ्लाइज, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, मॉस्किटोज, फ्लाइज, या और क्या हो सकते हैं, जू होती हैं, लाउज। लाउज का मतलब क्या होता है? जो सर पे जू पड़ जाती है। या इस तरीके से और क्या हो जाता है, रैट। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, या किसी तरीके के और भी कोई जो इंसेक्ट्स हैं, तो ये हो सकते हैं। सो एक्स एज डिसीज कैरियर, किसी न किसी वजह से आ जाए। डॉग से रेबीज आ जाता है, डॉग भी हो सकता है। सो एज डिसीज कैरियर मॉस्किटोज, फ्लाइज, दीज, ये क्या करते हैं? एक्ट एज डिसीज कैरियर एंड स्प्रेड डिसीज फ्रॉम डिसीज्ड पर्सन टू हेल्दी होस्ट। हेल्दी होस्ट का मतलब समझते हो? हेल्दी पर्सन वो बुला रहा है कि आओ, हम मेजबानी करते हैं, तुम मेरे यहाँ आओ, दावत उड़ाओ। हेल्दी होस्ट या हेल्दी पर्सन लिख देना, ठीक है? तो दीज आर कॉल्ड, इन्हें क्या कहते हैं? बिचौलिया। दीज आर कॉल्ड इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज का मतलब क्या होता है? जो बीच की चीज़ होती है उसे क्या कहते हैं? जैसे इंटरवल नहीं होता है, कहते हैं बीच की छुट्टी। इंटरमीडियरीज, तो इनको इंटरमीडियरीज कहते हैं। या दूसरा नाम क्या है? क्या वेक्टर्स भी कहते हैं? क्यों इन्हें वेक्टर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे मान लीजिए ये हेल्दी पर्सन है, तो अगर मान लीजिए ये हेल्दी पर्सन से ये चीज़ किसी में जाती है, तो इसके जाने के कई रास्ते हैं। ये देखो कि ये अब देखिए कि एक तो क्या हो सकता है कि ये एक से दूसरे में डायरेक्ट कांटेक्ट से भी पहुंच सकती है। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट से हो जाए, जैसे हाथ मिलाने से, तो डिसीज़ फैल जाए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उसको हम कहते हैं कंटेजियस डिसीज़। बोलो, ऐसा होता है कि नहीं? कंटेजियस डिसीज़ जो डायरेक्ट कांटेक्ट से, ये तो अलग ही है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ तो हम और बात कर रहे हैं। और अगर इसने मुंह से ड्रॉपलेट निकाली और वो ड्रॉपलेट इसके पास पहुंच गई, तो इस तरीके से भी फैल सकती है। इसे क्या कहेंगे? बाय एयर, एयर बॉर्न। और तीसरी चीज़ क्या हो सकती है कि ऐसा भी हो सकता है, वाटर बॉर्न, कि ये
वाटर बॉडीज है, और वाटर के थ्रू अगर इसने पी लिया तो इसने ग्लास में वो पानी पी लिया, वाटर बॉन्ड, तो ओपन में डेफिकेशन इसने किया, तो इसने डेफिकेशन किया और इसने पानी पी लिया, तो ये क्या कहलाएंगी? वाटर बॉर्न डिसीज। कुछ ऐसी होती हैं कि अगर इसने इसके तश्तरी में खाना खा लिया और इसकी टॉवेल यूज़ कर ली या कोई भी चीज़ है या पानी पी लिया तो भी फैल सकती है, उसे कौन सी डिसीज़ कहेंगे? फॉर माइट बॉर्न। और सबसे लास्ट में होता है कि जैसे कोई इंसेक्ट से जू हो जाए, उनसे फैल जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि लाउस जो हो गया, रेबीज है तो डॉग से फैल गई, हाँ तो वो वेक्टर हो गया, थ्रू वेक्टर से हो गया, तो इससे इसमें फैल जाए। तो चौथी नेक्स्ट क्या है कि कोई ना कोई इंसेक्ट हो और वो इंसेक्ट उसको फैला दे, इंसेक्ट से फैल जाए, या कोई और बीटल हो सकता है तो बीटल से फैल जाए ये, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो बीमारी इससे इसमें जा रही है तो रेबीज से फैल जाए, तो रेबीज क्या होगा कि डॉग से हो जाए, ठीक है ना। तो ये भी चीज हो सकती है कि डॉग से फैल जाए। तो ये डॉग से भी फैल सकती है, तो रेबीज। सो ये वेक्टर्स हो गए, किससे फैली? थ्रू वेक्टर्स। तो हम वेक्टर्स वाले की बात कर रहे हैं, लेट अस मेक ए लिस्ट कि जो बीमारी होती है वो वेक्टर से कैसे फैलती है। नो, पहला है मॉस्क्यूटो से कौन कौन सी फैलती है। सो फॉर एग्जांपल कि मलेरिया, तो मलेरिया को कौन कैरी करता है? तो पहली बात है कि मलेरिया कौन फैलाता है, लेट अस सी। एंड फिर इसके बाद हम देखेंगे कि प्रोटोजोआ, मलेरिया किससे फैलती है? इज कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ एंड फीमेल, ठीक है, एनोफिलीज, हाँ, सो फीमेल एनोफिलीज। उस प्रोटोजोआ का नाम आप जानते हो क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? क्या ये एक पैरासाइट है? ये किसी व्यक्ति के अंदर अगर चला जाए तो जीवित व्यक्ति के अंदर तो क्या खूब तेजी से फलता फूलता है, तो मलेरिया इज कॉज्ड बाई प्लाज्मोडियम पैरासाइट। और उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कौन पहुंचाता है? क्या फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो? तो इसमें क्या चीज पता चलती है? मॉस्किटो नहीं, ये नहीं होता है, ये इन्फेक्टेड पर्सन में ये था प्लाज्मोडियम, उसने हमको काटा मच्छर ने, और हमको काटने के बाद उसने किसको काट लिया? उसने हमारा खून पिया लेकिन उसी डंक को, उसी स्टिंग को दूसरे अच्छे व्यक्ति में इंजेक्ट कर दिया, तो क्या वो प्लाज्मोडियम उसमें चला गया? यानी आप ये समझ लें कि एक ये हेल्दी पर्सन को अगर एक मच्छर ने यहाँ पर कट कर लिया और फिर डंक इसमें फैला दी, और फैलाने के बाद क्या हुआ, ये उड़ के गया और इसने क्या किया, दूसरे हेल्दी पर्सन में ये इसको फैला दिया। तो इसने जब इसको फैलाया तो इसने सक्ड ब्लड एंड प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया एंटर्स इन इट, इन इट्स ब्लड स्टिंग। सो सकिंग ब्लड ऑफ ए पर्सन इन्फेक्टेड बाई बैक्टीरिया, वो किससे इन्फेक्टेड था? क्या मलेरिया से इन्फेक्टेड था? सो प्लाज्मोडियम किसमें स्टिक हो गया? स्टिक्स ऑन स्टिंग ऑफ मॉस्किटो, तो मॉस्किटो में स्टिंग हो जाएगा,
क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो मादा मच्छर है वो खूब खून पीती है, उसे बच्चों को जन्म देना है, तो इसीलिए फीमेल एनोफिलीज कहा गया है। फिर अब वो मच्छर जब इस पे जाएगा और इस पर बैठ जाएगा हेल्दी पर्सन, तो फिर वो क्या करेगा, इसको शक करेगा, इंजेक्ट्स प्लाज्मोडियम इन इट, इंजेक्ट्स प्लाज्मोडियम पैरासाइट, तो इससे मलेरिया हो जाएगा। तो ये हेल्दी पर्सन है, और ये कैसा है, ये डिसीज्ड था क्या? तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि मॉस्क्यूटो कौन कौन सी बीमारी फैलाते हैं। तो पहली चीज है एनोफिलीज। नाउ एनोफिलीज जो फीमेल मॉस्क्यूटो है वो कौन सी बीमारी फैलाती है, तो डिसीज का नाम क्या है, मलेरिया। उसमें नहीं होती है मलेरिया, वो इन्फेक्टेड पर्सन से कैरियर का काम करती है, ये दे एक्ट एज कैरियर। तो ये एक्ट दैट इज वेक्टर्स जो एक्टिंग एज कैरियर, उस चीज को कहते हैं वो लोग वेक्टर हैं, यहां से वहां पहुंचा दी। सेकंड, जैसे वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, एक से डायरेक्टेड होती है, यहां से वहां ले गए, ऐसे ही क्यूलेक्स मच्छर होता है, क्यूलेक्स वो उससे फाइलेरियासिस होती है, मैं दिखा रहा हूँ फाइलेरियासिस क्या बीमारी है। एक एलिफेंटियासिस होता है, दूसरा देखें फाइलेरियासिस, extremely funny. फाइलेरियासिस, according to Wikipedia, जस्ट एक मिनट, तो इसमें क्या होता है कि जो फाइलेरियासिस डिसीज है वो एलिफेंटियासिस को ही कहते हैं। हाँ, ये चीज है फाइलेरियासिस, नीचे लिखा भी हुआ है कि फाइलेरियासिस, हाँ एलिफेंटियासिस को ही फाइलेरियासिस कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पैर में वही है, एलिफेंटियासिस ही है। सो इट इज बाई मॉस्किटो, ये क्यूलेक्स से हो जाता है। और तीसरी चीज क्या है, कभी डेंगू फीवर देखा है? सो ये है, इट इज एडीज मॉस्किटो। तो डेंगू फीवर को कौन है, ये सब मॉस्किटो फैला रहे हैं, ए मॉस्किटो, सो दैट इज एडीज एंड दैट इज डेंगू। ये डेंगू भी फैला सकता है, एडीज जो डेंगू फैलाने वाले हैं, और फाइलेरियासिस एक से दूसरे में, ये फाइलेरियासिस भी इसे तो सिर्फ ट्रांसफर करना है ना, और ये येलो जापानीज बुखार भी ट्रांसफर कर सकता है, येलो फीवर जो दिमागी बुखार होता है, दिमाग में ब्रेन फीवर जिसको कहते हैं, तो इस तरीके से ये ट्रांसफर कर सकता है फ्रॉम हेल्दी पर्सन टू इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। अच्छा, क्या मक्खियाँ भी कुछ ऐसा करती हैं जो ट्रांसफर कर देती हैं? एक मच्छर होता है और एक क्या होता है, हाउस फ्लाई, तो फ्लाइज भी करती हैं क्या? तो फ्लाइज भी ऐसा कर सकती है कि हाउस फ्लाई जो हमारे घर में मक्खी दिखती है, आम पे बैठ जाती है, हाउस फ्लाई दैट ये टाइफाइड फैला देगी, क्योंकि वो गंदे पानी में बैठी रहती है, और फिर वो क्या करेगी, वो हमें एक महीने का फीवर आ जाएगा, डायरिया फैला देगी। और इसके अलावा डाइसेंट्री, और किसी वजह से भी डाइसेंट्री हो सकती है, ये सब है। कॉलरा फैला देगी, फूड पॉइजनिंग, क्योंकि मिठाइयों पे बैठ जाएगी तो क्या होगा, कॉलरा, ये सारी चीज़ें फैला सकती है। इसके अलावा और भी चीज़ें, आंखों की बीमारी भी हो जाती है, कंजक्टिवाइटिस, देखा है किसी में आंख में लाल हो जाएगी कभी कभी, तो कंजक्टि आई डिसीज होती है, बारिश में बहुत होती है, और अगर एक को हो गई तो उसके बगल में उसने किसी को देख लिया तो दूसरे को भी हो जाएगी। और ट्यूबर क्यूलोसिस जिसको कि हम टीबी कहते हैं, या दमा,
इन सब बीमारियों को ये फैला सकती है, इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। मक्खी तो सबसे ज़्यादा फैलाती है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि एक और भी मक्खी है, दैट इज सी सी फ्लाई, दैट इज सी सी फ्लाई, और वो क्या करती है, सी सी फ्लाई दैट इज कॉजिंग स्लीपिंग सिकनेस। पूरा शहर का शहर एक साथ सो गया था कांगो में, मालूम है। तो ये ऐसी बीमारी है जो ये मच्छर फैलाता है, दैट इज स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस इसमें क्या होता है कि ये जैसे मान लीजिए किसी जगह पर जितने भी लोग होंगे ना, वो सारा पूरे अस्पताल में सब सोए रहते हैं, कोई जागता ही नहीं है। जो बेंच पे बैठा है वो बेंच पे सो जाएगा, कहीं पर भी सड़कों पे लोग प्लेटफॉर्म पे सोए हुए हैं। स्लीपिंग सिकनेस में सब तरफ शहर में लोग सोए रहते हैं, इट इज़ कॉल्ड स्लीपिंग सिकनेस। कहीं पर भी रहेगा सोया सोया रहेगा, वो उसकी आँख ही नहीं खुलेगी। समझ में आ गई बात, कहीं पर भी लोग सो जाएंगे। पूरे शहर में कांगो में हुआ था तब पता चला इस बीमारी के बारे में। नाउ जगने में क्या, फिर एक एक का इलाज करना पड़ा, बहुत सारे लोग उसी में मर गए, जो बचे उनका इलाज हुआ। तो यही चीज़ है, तो सोते रहेंगे ये एक बीमारी है ना। सोना तो एक सिंड्रोम है, एक सिम्टम है, सोना कोई बीमारी थोड़ी ना है। लेकिन उसकी वजह से थकान होती है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है। समझ में आई बात, हाँ। फ्लाइज काटती हैं, फ्लाई कैरियर है। किसी एक पर्सन को स्लीपिंग सिकनेस है, उसने उसको उस काटा, फिर दूसरे को जाके उसका ब्लड सक किया। तो स्लीपिंग सिकनेस जिसकी वजह से होता है, तो क्या जो स्लीपिंग सिकनेस जिसकी वजह से होता है वो बीमारी, वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ये जो चीज़ होता है पैरामीशियम की वजह से होता है। तो वो पैरामीशियम को क्या उससे उसमें ट्रांसफ़र कर देती हैं। मक्खी में कुछ नहीं है, अगर ये हेल्दी से हेल्दी काटें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक व्यक्ति में पैरामीशियम है, उसे काट लिया, फिर हेल्दी को काट लिया, तो क्या पैरामीशियम इससे उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, बताओ। तो फ्लाई का इसमें कोई दोष नहीं है, एक व्यक्ति को था उससे दूसरे में इसने डाल दिया। लाउस जैसे जू है, तो इससे क्या होता है कि जो बाल में खुश्की होती है उसको टाइफस कहते हैं। सो एपिडेमिक टाइफस, तो मतलब क्या होता है कि हेड के स्कैल्प में से बहुत सारा वो वाइट वाइट गिरने लगता है, टाइफस, रूसी हो जाती है। और रैट से क्या होता है, तो रैट से प्लेग होता है, मालूम है। यूरोप की 5 बिलियन आबादी 1930 पर मर गई थी, बोलो। रैट, हाँ, चाइना से स्प्रेड हुआ था, तो प्लेग, प्लेग जानलेवा है, तो प्लेग हो जाता है। और इसके अलावा ये डॉग है, फ्लाइज में नहीं है, ये अलग अलग आ गया, ए बी फ्लाइज है, और फिर इसके बाद इसको अलग चेंज करो, दैट इज सी डी ई, दिस इज सी डी और ई। तो इससे क्या हो जाता है, रेबीज, रेबीज में भी लोग मर जाते हैं। कुत्ता काट लेता है, पागल कुत्ता, जिसके ब्रेन फीवर है, दिमाग में नर्वस जिसका ब्रेकडाउन हो गया है, तो पागलों की जो जीभ निकाल रहा हो, लार टपका रहा हो, ऐसे कुत्ते के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो काट लेगा तो फिर दूसरों को भी हो जाएगा। सो इस तरीके से हमने इसमें ये देख लिया कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो वेक्टर की वजह से होती हैं, ठीक है। सो वी हैव सीन वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीज़। तो यहाँ तक बात हो गई है आपकी, अब आगे की बात करें। अगर आपको डिसीज़ हो गई है तो हमें अब क्या करना चाहिए, भाई किसी पर्सन को डिसीज़ हो सकती है, तो हमने आपको तीन चीज़ें बताई कि जो इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है उसके 3 स्टेप्स हैं। वो क्या स्टेप्स हैं,
क्या इन्फेक्शन के एजेंट्स होने चाहिए जो बीमारी हमारे अंदर पैदा कर रहे हैं? इन्फेक्शस एजेंट्स कौन कौन बताएं? क्या वायरस है, क्या फंगी है, ऐसी चीज़ें हो सकती है कि नहीं? तो आपको जो इन्फेक्शियस डिसीज हैं, रेबीज, RABIES, सो इन्फेक्शियस डिसीज में पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि पहला है इन बोलो ओके ओके एक मिनट कुछ ठीक हुआ? सो एक है इन्फेक्शियस एजेंट्स, तो इन्फेक्शियस एजेंट्स कौन से हो सकते हैं? इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जैसे वायरस बताया आपको, प्रोटोजोआ बताया, वॉर्म, वॉर्म जो हमारे पेट में वॉर्म आ जाते हैं ना, टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, ठीक है, हुक वॉर्म। इसके अलावा क्या बताया, क्या बैक्टीरिया? सो बैक्टीरिया ये सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स। दूसरी चीज़ क्या बताई, दूसरी चीज़ बताई जो इन्फेक्शियस डिसीज है, एक तो इन्फेक्शियस एजेंट्स होने चाहिए और दूसरा क्या बताया, क्या मीन्स ऑफ स्प्रेड, कि अब वो मतलब वो मीन्स ऑफ स्प्रेड बहुत सारे हैं, एयर बॉर्न, वाटर बॉर्न, तो ये सब क्या कहलाएंगे? पहले तो ये एजेंट हों जो हमें बीमारी पैदा करें, फिर उन्हें किसी तरीके से फैलाया जाए, कई तरीके से मीन्स ऑफ स्प्रेड हैं, जैसे एयर बॉर्न, वाटर बॉर्न और STDs, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, फॉर्माइड डिसीज थ्रू वेक्टर्स डिसीज, और फिर क्या है, थ्रू वेक्टर्स, और एक और भी कहा जा सकता है मीन्स ऑफ स्प्रेड है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, उसको कहते हैं कंटेजियस डिसीज। थ्रू उसे कोई मीन्स नहीं चाहिए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अच्छा, अब जबकि ये बीमारी हो गई तो तीसरी चीज अब क्या होगा, थर्ड चीज है कि अब इसके सिम्टम होंगे हमारे अंदर। तो सिम्टम क्या होता है, अगर डिसीज होगी तो उसके कुछ लक्षण होंगे ना, कि भाई किस तरीके से है। सो दैट इज सिम्टम ऑफ डिसीज का मतलब क्या होता है, एवरी डिसीज कैरीज सम सिम्टम्स थ्रू विच इट कैन बी डिटेक्टेड, यानी इट आवर डेली एक्टिविटी चेंजेस, कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा, कुछ सिम्टम होता है तो उसकी वजह से क्या होगा। सो व्हेन सिम्टम अकर्स तो दीज आर एविडेंसेस कि हमें कहाँ बीमारी है। जैसे अगर हमें जुखाम है तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे अंदर बैक्टीरिया कहाँ इंटर किया, पॉइंट ऑफ एंट्री क्या है, क्या रेस्पिरेटरी ट्रैक है, तो डॉक्टर भी देख लेगा कि हाँ इसको इसमें, अगर हमें लूज मोशन है तो उसका पॉइंट ऑफ एंट्री कहाँ हो सकता है, डाइजेस्टिव ट्रैक, अगर जुखाम है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक, अगर मान लीजिए हमें पेट दर्द हो रहा है लीवर में भी हो सकता है पॉइंट ऑफ एंट्री। बहुत सारे ऐसे होते हैं टारगेट ऑर्गन लीवर है, सीधा लीवर पे अटैक करते हैं, और लीवर हमारी बॉडी में 42 काम करता है, मालूम है, ज़्यादातर स्टोरेज भी करेगा किसी चीज़ का, जो भी टॉक्सिक सब जहरीली चीज़ें उनको हटाएगा भी, लीवर की बड़ी जिम्मेदारी है। अगर लीवर ठीक ना हो तो हम खाना पलट दें, बहुत सारे एंजाइम्स बनाता है। सो इसलिए डॉक्टर देख लेगा कि अरे इसकी आंखें पीली पड़ गई हैं, ये सुस्त है, एनर्जी नहीं है, तो लीवर गड़बड़ है। फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है हमें यूरिनेशन में जलन हो सकती है, तो किडनी टारगेट ऑर्गन हो सकता है, तो हमें ये सारे सिम्टम्स हैं। तो तीसरी चीज़ अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि पहला इन्फेक्शियस एजेंट था, फिर वो कैसे फैली, फिर हमारी बॉडी में सिम्टम आएगा कि नहीं, और फिर चौथा क्या होगा। पहले देखो सिम्टम, फिर ट्रीटमेंट करेंगे। सिम्टम जब तक नहीं होगा कोई ट्रीटमेंट करेगा क्या? तो सिम्टम्स ऑफ डिसीज, तो सिम्टम ऑफ डिसीज क्या हो सकता है कि पहला, नाउ आवर बॉडी हैज मैनी पॉइंट ऑफ एंट्री,
आवर बॉडी हैज मैनी पॉइंट्स ऑफ एंट्री, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि बहुत लार्ज है, कभी कभी क्या हो जाता है कि दे मूव वाया अवर नोज और माउथ। सो पैथोजेंस कहाँ कहाँ से जा सकते हैं बताओ? पैथोजेंस कैन एंटर इन आवर बॉडी थ्रू नोज, माउथ, और क्या ब्लड से भी पहुंच सकते हैं? ब्लड, क्योंकि ब्लड में अभी मच्छर काट लेगा तो ब्लड में कर देगा, तो ब्लड के थ्रू भी पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से ये जो भी होते हैं, दो दे एंटर थ्रू वेरियस ओपनिंग्स बट दे आर हैविंग देयर सर्टेन टारगेट ऑर्गन्स। जो लीवर वाला प्रोटोजोआ है वो लीवर को ही अटैक करेगा और कहीं नहीं काम करेगा। इसी तरीके से जो लंग्स में बीमारी पैदा करता है वो और कहीं नहीं पैदा करेगा, कि वो नहीं सोचो कि लंग्स वाला बैक्टीरिया उसने हमारे स्टमक में लूज मोशन कर दिया, ऐसा नहीं है। सबके नाम है सब बीमारियों, क्योंकि जैसे हमने एक देखा ना प्लाज्मोडियम, तो जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया ही पैदा करेगा। समझ में आई बात कि नहीं? जाए वो कहीं से, अगर वो और कहीं से एंटर कर गया, मुंह से एंटर करना चाहिए था लेकिन नोज में चला गया तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो जो अगर सही एंट्री पॉइंट से जाए और सही टारगेट ऑर्गन तक पहुंचे तभी वो काम करेगा। सो दे, इफ दे एंटर थ्रू करेक्ट एंट्री पॉइंट, करेक्ट का मतलब समझ गए कि जहां से जाना चाहिए वहीं से जाए। इफ दे एंटर इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी थ्रू करेक्ट एंट्री पॉइंट, देन दे अफेक्ट, तो एडवर्सली अफेक्ट का मतलब बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं, एडवर्सली अफेक्ट एट देयर रेस्पेक्टिव टारगेट ऑर्गन्स, रेस्पेक्टिव टारगेट ऑर्गन्स। इसका मतलब क्या है? इन्फ्लुएंजा वायरस क्या करता है? अटैक्स एट लंग्स। समझ में आई बात? इन्फ्लुएंजा वायरस, वायरस अटैक्स एट लंग्स, ऐसा है। और कुछ ऐसे जैसे प्रोटोजोआ है, अटैक्स एट अवर इंटेस्टाइन, वो कहाँ अटैक करते हैं? हमको लूज मोशन हो जाता है। तो प्रोटोजोवंस कहाँ अटैक करते हैं बताइए? अमीबा, पैरामीशियम, ये सब कहाँ अटैक करते हैं? एट इंटेस्टाइन। तो इस तरीके से वो अपने टारगेट ऑर्गन पर इंटर करते हैं। अब जरा देखें, अब कुछ ब्रेन फीवर है तो कई बार ऐसा होता है कि देयर आर सम वायरस कॉजिंग ब्रेन फीवर, दे अटैक ऑन ब्रेन ओनली। सम, हाँ, जो वायरस हैं कॉजिंग येलो फीवर या ब्रेन फीवर, येलो फीवर या जापानीज इंसेफ्लाइटिस भी से कहा जाता है, दिमागी बुखार। बहुत लोग जापान में मर गए थे तो इंसेफ्लाइटिस, तो इन इसको क्या कहेंगे? दिमागी बुखार। सो सम वायरस कॉजिंग वायरस, सम वायरस सेल्स कॉजिंग येलो फीवर अटैक एट ब्रेन, अटैक एट ब्रेन। ये तो बात हो गई कि वो कहीं ना कहीं अटैक करेंगे, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? हम तो सिम्टम की बात कर रहे हैं, हमारी हेडिंग तो सिम्टम है। सो सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स की डेफिनेशन क्या है? सिम्टम्स आर एविडेंसेस। ये क्या चीज़ें होती हैं? एविडेंसेस। व्हाट डज इट मीन बाई दैट? देयर इज समथिंग
रॉन्ग इन अवर बॉडी, एविडेंस है जिससे पता चलता है दैट देयर इज ए माल फंक्शन बॉडी में है एनसेफलाइटिस, ई एन सी ई पी एच, ठीक है, और ए एनसेफलाइटिस या ए होगा एन पी एच ए एनसेफलाइटिस, और सिम्टम्स क्या होते हैं, दीज आर एविडेंसेस दैट देयर इज ए माल फंक्शन इन आवर बॉडी। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे स्नीजिंग, फ्रीक्वेंट स्नीजिंग, राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी, बॉडी या लूज मोशन, तो लूज मोशन वॉमिटिंग, क्या ये बीमारियां हैं बताओ कि नहीं, बोलो माही, ये जो चीजें हैं ये बीमारी कही जाएंगी कि नहीं, ये हमें जानना होगा, दीज आर जो ये चीजें हैं ये बीमारी नहीं है, ये सिम्टम है कि अंदर कुछ गड़बड़ है, हम इसका इलाज ना करें, ये देखें ब्लड टेस्ट करा कि ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि कहीं कुछ गड़बड़ है तो वॉमिटिंग हो जाएगी। सो इस तरीके से और क्या होगा, क्या हेडेक भी हो सकता है ना, हाँ, और बॉडी पेन भी हो सकता है, तो क्या रीज़न है इस इन सब चीज़ों का। सो सिम्टम आर नॉट डिसीज, पहली बात क्या है, सिम्टम्स आर नॉट डिसीज, पहली तो ये बात ध्यान देनी होगी, ये डिसीज नहीं है। सो दिस टेल्स अस दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग इन आवर रिस्पेक्टिव बॉडी ऑर्गन, दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग इन सम ऑफ आवर बॉडी पार्ट, ये चीज है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इसका जो ट्रीटमेंट है, हमें सिम्टम का ट्रीटमेंट करना चाहिए कि बीमारी का, बताइए। हाँ, तो हमें सिम्टम का ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए कि हमारा बुखार ठीक कर दो, डॉक्टर से नहीं कहना, तो डॉक्टर से ये कहना पता तो लगाओ ये बुखार किस वजह से है, हम उस चीज़ को मारना चाहते हैं जो हमारे कॉजेटिव एजेंट है। सो ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया देयर इज समथिंग रॉन्ग, अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट कि हम अब इस चीज़ का इलाज कैसे करें, पहले हमने देख लिया इन्फेक्शियस एजेंट है, फिर कैसे फैली, फिर अब हमने देखा कि उससे हमारी बॉडी में क्या बदलाव आया, अब बीमारी हो गई है तो क्या उसका इलाज नहीं करोगे, तो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या बनेगा, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। सोचो अब फोर्थ पॉइंट हम जो कल देखेंगे कि जब आपको बीमारी हो गई है, कहीं ना कहीं आपको पता चल गया कि ये गड़बड़ी है, तो आप क्या करेंगे उसकी वजह से, सो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें बॉडी पेन है, बॉडी पेन की दवा दे दो, तो क्या ये लेना ठीक है, हम सिम्टम को दबा दें, सप्रेस कर दें और अंदर बीमारी फैलती रहे, विल इट बी ओके, हम एंटीपायरेटिक ले लें फीवर को मारने की दवा, विल इट बी ओके, नहीं ओके, कोल्डारिन ले लें अगर स्नीजिंग हो रही है, इज इट ओके, नो, सो वी हैव टू ट्रीट द कॉजेटिव एजेंट, रिमूव द कॉजेटिव एजेंट एंड नॉट ट्रीट द सिम्टम। सो देर आर टू प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, पहला है रिमूव सिम्टम और दूसरा क्या है कि रिमूव द वो दैट इज कॉज इट पैथोजन, उसको ट्रीट उसको हटाना। तो इस चीज़ को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू, ओके।